अतीक अहमद को वापस उसी रास्ते गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। पूरे रास्ते उसकी नींद उड़ी रही। रास्ते में क्राइम तक से बात करते हुए उसने ये तक कह दिया कि मिट्टी में तो मिला दिया है, अब बस रगड़ा जा रहा है। यूपी पुलिस की यही कार्य प्रणाली के चलते बदमाशों और माफियाओं की दिन रात की नींद उड़ी हुई है और उन्हें एनकाउंटर का खौफ सता रहा है। हालांकि इसी बीच यूपी के बिजनौर में करीब 2.5 लाख के इनामी बदमाश का एनकाउंटर कर दिया गया। इस खौफनाक मुठभेड़ में 5 पुलिस के जवान भी बुरी तरह घायल हो गए। ला रहे होंगे, हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। दरअसल बिजनौर पुलिस ने पुलिस कस्टडी से फरार हुए 2.5 लाख के कुख्यात इनामी बदमाश आदित्य राणा को मुठभेड़ में मार गिराया। बता दें, कुख्यात बदमाश आदित्य राणा की कई महीनों से पुलिस को तलाश थी। उस पर बिजनौर, मुरादाबाद, संभल जनपदों में 45 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और वो करीब 8 महीने पहले पुलिस को चकमा देकर पुलिस गिरफ्त से भाग गया था। आदित्य तब फरार हुआ जब बिजनौर कोर्ट से पेशी के बाद लखनऊ लौटते समय शाहजहांपुर में रेड चिल्ली ढाबे पर उसका काफिला रुका और आदित्य पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। पुलिस और UPSTF उसकी तलाश में तभी से जुटी हुई थी। बाद में उस पर DGP ने 2.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। आदित्य गैंग के 6 बदमाशों को पहले ही पुलिस जेल भेज चुकी है। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश ने आदित्य और उसके ज्यादातर अपराध की घटनाओं को बिजनौर में ही अंजाम दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।